कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स है, यानी कि इट इज द फिजिक्स ऑफ कंडेंस्ड मैटर। एटम अगर इतना खाली है, उसके अंदर इतना स्पेस है और बस कुछ परसेंट जो है उसका वो न्यूक्लियस जो है वो उस पे वहाँ पर जो है वो कंबाइंड मास है उसका, बाकी बहुत सारी जगह खाली है और इलेक्ट्रॉन्स वहाँ घूम रहे हैं। तो जब इतनी जगह खाली है तो हमारी दुनिया जो सॉलिड हमको दिखाई देती है, 3D हमको दिखाई देती है, तो ऐसी चीज से इतनी सॉलिड चीजें बनी कैसे? There is one class of particles which in quantum mechanics have a statistic. There's a collection of this kind of particles obeys a property called the Bose-Einstein statistics or Bose statistics. और थोड़े कुछ महीनों में मुझको एंडरसन की बातें समझ में आने लगी कि वो उनका जो एसोसिएशन ऑफ आइडियाज है, यानी कि इस विचार से उस विचार को जोड़ना, इस तथ्य से उस तथ्य को जोड़ना, ये पहले मुझको इस तरह का जंप समझ में ही नहीं आता था, धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। और ये भी हुआ कि आगे चल कर के एंडरसन के बहुत से स्टूडेंट्स और को वर्कर्स मेरे पास आते थे और कहते थे कि फिल सेट दिस, व्हाट डज इट मीन, तो मैं उनको समझाता था। एक में मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब से रुचि थी और मैं स्कूल की ओर से खेलता भी था,